केंद्र सरकार अपनी 13 सेक्टर की प्रॉपर्टीज प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देने जा रही है। इससे वो 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। शुरुआत गैस पाइपलाइन से हो रही है। हमारे लिए इस पॉलिसी को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी आपकी पॉकेट से जुड़ा हुआ मामला है। मान लीजिए कि आपके पास एक सुंदर सा होटल है, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने उसे प्राइवेट कंपनी को किराए पर दे दिया। अब आपका होटल भी बना रहेगा और किराए के पैसे भी मिलते रहेंगे। सरकार की नेशनल मोनिटाइजेशन पॉलिसी यही कहती है। ये सुनने में पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन इस सरकारी एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट हमारे सामने हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद पहला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है भोपाल का हबीबगंज स्टेशन। प्राइवेट हाथों में जाने से पहले इसका प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का था, अब 50 रुपए का है। इस रेलवे स्टेशन से रोजाना औसतन 40,000 लोग आते और जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहां आने वाले करीब 50% से ज्यादा यात्रियों के साथ उनके दोस्त या परिवार वाले पहले आते थे, लेकिन अब ये लोग प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर ट्रेन छूटते वक्त अपनों को अलविदा नहीं करते, गेट के बाहर से ही लौट जाते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का है। अब सरकार एक दो नहीं, पूरे 400 स्टेशन की मरम्मत प्राइवेट कंपनियों को देने जा रही है। टूरिस्ट प्लेस वाले कालका, शिमला, दार्जिलिंग जैसे रेलवे का संचालन प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया जाएगा। 1400 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक भी लीज पर दिए जाएंगे। यहाँ सुविधाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन रेट 10 रुपए से 50 रुपए हो सकते हैं। इसी तरह सरकार ने एक ट्रेन को प्राइवेट हाथों में दिया, नाम है तेजस। इसका टिकट मिलता है डायनेमिक फेयर सिस्टम से, मतलब ये है कि जितनी डिमांड उतना ज्यादा महंगा टिकट। 23 सितंबर 2019 को कई लोगों ने दिल्ली से लखनऊ का टिकट 4300 रुपए में खरीदा। आम दिनों में भी इसका रेट 1700 रुपए है, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस में इतनी ही दूरी का टिकट 815 रुपए में मिलता है। अब सरकार 90 पैसेंजर ट्रेन प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी में है। जबकि ट्रेन प्राइवेट हाथ में जाए तो टिकट दोगुने से भी ज्यादा महंगे होने लगते हैं। हाँ, ये जरूर है कि रेलवे की प्रॉपर्टी किराए पर देकर सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन रेल से ज्यादा पैसे सरकार सड़कों को लीज पर रखकर जुटाएगी। ये है ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेसवे। इसका मेंटेनेंस प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। 165 किलोमीटर की इस सड़क पर आप सफर करते हैं तो टोल टैक्स देना होता है 360 रुपए। किसी दूसरी सड़क पर इतने ही दूर जाने का आपको ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए टोल टैक्स देना होता है। यानी सड़क का मेंटेनेंस प्राइवेट हाथ में तो टोल टैक्स दोगुना। लेकिन सरकार देश की 27% हाईवेज यानी करीब 27,600 किलोमीटर सड़क बनाने और मेंटेनेंस का काम प्राइवेट कंपनियों को देने जा रही है। सड़कें निजी हाथों में जाने से क्या टोल टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, इस सवाल के जवाब में अफसरों ने कहा कि यह कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि टोल को नियंत्रित करने का फॉर्मूला अभी बनना बाकी है। फिलहाल सरकार सड़कों को लीज पर देकर 1,60,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। रेल सड़क के बाद सरकार सबसे ज्यादा पैसे जुटाएगी आपके घर में जलने वाली बिजली से जुड़ी चीजों को लीज पर देकर। पावर ट्रांसमिशन यानी बिजली सप्लाई करने वाले खंभे, तार, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जैसी चीजों को लीज पर रखकर सरकार 45,200 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसी तरह पावर जनरेशन यानी बिजली बनाने वाली चीजों को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा। इससे सरकार को 29,832 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिलहाल देश में रिलायंस, अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप प्राइवेट बिजली बनाने और सप्लाई करने का काम करते हैं। पावर के बाद बारी आती है आपके मोबाइल की। साल 1994 से ही सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी करती आई है। स्पेक्ट्रम वही नेचुरल रिसोर्स है जिसके जरिए मोबाइल या फोन से बातचीत होती है। 2016 की 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार की अपनी कंपनी BSNL बाहर हो गई थी। इसका नतीजा आज हमारे सामने है। रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के प्लान्स बीते 3 साल में 200% से ज्यादा बढ़ चुके हैं और आगे भी बढ़ाने की बात हो रही है। पिछले महीने ही 28 दिन तक अपना नंबर चलाने के लिए कम से कम 49 रुपए वाले रिचार्ज को बढ़ाकर 79 रुपए कर दिया गया। लेकिन सरकार इस बार देश की करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले भारत नेट को प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। इसमें 2,86,000 किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिक लाइन और 13,500 मोबाइल टावर हैं। इससे सरकार को 35,100 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब बात नई पॉलिसी की शुरुआत 2,229 किलोमीटर में बिछी गेल की गैस पाइपलाइन की। ये वही पाइपलाइन है जिनके जरिए हमारे घरों में खाना बनने वाली PNG और गाड़ी में डलाने वाली CNG गैस पहुंचाई जाती है। फिलहाल 2 पाइपलाइन प्राइवेट हाथों में जानी तय हो गई है। पहली महाराष्ट्र के दाभोल से कर्नाटक के बेंगलुरु तक। इसके जरिए बेलगाम, धारवाड़, बेल्लारी, रामनगरम और बेंगलुरु समेत 10 जिलों के लोग जुड़े हुए हैं। इससे रोजाना 1,60,00,000 क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होती है। दूसरी लाइन गुजरात के दाहेद से लेकर महाराष्ट्र के दाभोल तक है। इससे भी
हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। यहाँ पर यह जिक्र करना बेहद जरूरी है कि पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद सीएनजी और पीएनजी की खपत बढ़ी हुई है, लेकिन यही प्रॉपर्टी सबसे पहले प्राइवेट हाथों में जाने वाली है। सरकार कुल 8154 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देने जा रही है। इससे 24462 करोड़ रुपए उसे हासिल होंगे। इसके बाद बारी आती है एविएशन इंडस्ट्री यानी हवाई जहाज की इंडस्ट्री की। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट 2022 तक प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया जाएगा। 2024 तक भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट, इसके साथ ही वाराणसी, रायपुर, भुवनेश्वर, अमृतसर, चेन्नई, तिरुपति समेत 25 एयरपोर्ट लीज पर दे दिए जाएंगे। इससे सरकार 20782 करोड़ रुपए जुटाएगी। मोनेटाइजेशन पॉलिसी से खेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की चीजें भी प्राइवेट हाथों में जाएंगी। इनमें सबसे बड़ा नाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के भोपाल सेंट्रल सेंटर का है। ये सेंटर 100 एकड़ में फैला है। इसमें कई इंडोर आउटडोर स्टेडियम है और हॉस्टल भी है। खेलों के बाद आपसे जुड़ा हुआ है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। इसमें देश भर के 8 बड़े होटल को लीज पर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की लिस्ट में सब्जी अनाज रखे जाने वाले वेयर हाउसेस, खनन, पानी के जहाज और अर्बन रियल एस्टेट वाली चीजों को भी लीज पे रखा जाना तय हुआ है। 23 अगस्त को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की तो सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना होने लगी और विपक्ष ने इस पर हमला बोला। इसके जवाब में सरकार की ओर से अब तक दो बातें कही गई हैं। पहली, वित्त मंत्री ने खुद इस मामले पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि चोरी छुपे काम करना तो कांग्रेस की कार्यशैली है, मोदी सरकार जो करती है देश की भलाई के लिए करती है। दूसरी, इस पॉलिसी के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की बात। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बहुत संपत्ति है, अगर वो इनको मोनेटाइज करती है और कुछ पैसे जुटाकर उसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करती है तो इसमें गलत क्या है। इन पैसों से कमजोर तबके को सपोर्ट दिया जाएगा, फिर सरकार अपनी संपत्ति को बेच नहीं रही है, केवल लीज पर रख रही है। सरकार ने फाइबर ऑप्टिक लाइन प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दे रखी है, लेकिन सरकार की अपनी कंपनी BSNL आज खस्ता हालत में है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बासु कहते हैं कि कोरिया जैसे छोटे आबादी वाले देश के लिए ऐसी पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन भारत की संपत्तियों को इतने बड़े पैमाने पर लीज पर रखना ठीक नहीं होगा।